टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये इमारत खुर्जा के उस सरकारी जटिया अस्पताल की है जिसे अभी हाल ही में कोविड लेवल 2 स्तर का अस्पताल घोषित किया गया है। हॉस्पिटल शुरू होने से पहले प्रशासन द्वारा दावे किए गए थे कि कोविड L02 की शुरुआत आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ की गई है, मगर सोमवार शाम को हॉस्पिटल में 45 वर्षीय कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर ही आरोप लगा दिया। बता सर, ये लगभग 10-12 दिन से मलेरिया टाइफाइड में बीमार थे, बुखार था इनको, मलेरिया टाइफाइड। तो ये सर 10-12 दिन से इसका ट्रीटमेंट इनका चल रहा था शिकारपुर। डॉक्टर आशीष शर्मा एक डॉक्टर है, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारपुर में सेवा देते हैं, लेकिन उनका प्राइवेट भी अपना एक जो है प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ इनकी दवा चल रही थी। अब ये हुआ कि कल जो डॉक्टर आशीष शर्मा ने इनको बता दिया कि आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। शिकारपुर उन्होंने डॉक्टर आशीष जी ने शिकारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फ़ोन कर दिया, वहाँ से कोई टीम आई और इनका चेकअप किया और वो टीम इनको क्वारंटाइन के लिए यहाँ इनको और इनकी वाइफ को दोनों को कल शिफ्ट कर दिया खुर्जा जटिया में। कल जटिया में शिफ्ट कर दिया। अब कल भाभी से बात हुई थी, कल भी भाभी से हमारी बात हुई, इनकी भाभी भैया को क्या हो गया, तो भाभी ने ये बताया कि भैया अजय भैया तुम्हारे भैया के साथ बहुत घोर लापरवाही बरती जा रही है, हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, ये केवल गर्म पानी एक बार दो बार पानी दिया है, बाकी यहाँ के जो हेडपम्प हैं और जो क्या नाम है आरओ लगे हुए हैं वो सब फेल हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई डॉक्टर आता है। हालांकि मरीज के परिजन द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप के बाद सीएमओ ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और बारीकी से जांच करने का दावा किया, जबकि सीएमओ जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कह रहे हैं। हाँ जी, ये बड़े दुखद घटना है और बहुत ही ऐसे में मृत्यु हुई है, बहुत ही दुख भरी घटना है। मैं इसको बिल्कुल चेक करूंगा, इसकी इंक्वायरी करूंगा, जो भी दोषी होगा बिल्कुल दंड करूंगा, उसके खिलाफ कार्रवाई। भले ही सीएमओ प्रकरण में जांच कराने की बात जरूर कह रहे हो, मगर देखने वाली बात तो ये होगी कि जमीनी हकीकत पर सीएमओ द्वारा कराई जाने वाली जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी, टाइम 24 न्यूज। सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।